बिहार में विधानसभा चुनाव की आहट होते ही तमाम राजनीतिक दल चुनाव की तैयारियां में लग गए हैं। कई क्षेत्रीय दल हैं जो इस बार बिहार विधानसभा चुनाव में अपनी किस्मत आजमाएगी। वहीं नवरंग कांग्रेस पार्टी भी विधानसभा चुनाव में सभी सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारेगी और सरकार बनने के बाद बिहार को विशेष राज्य का दर्जा भी देगी। ऊपर तक मैडम सर थोड़ा सा साइड जाओ। आप मैडम इधर सामने ताकि स्टॉप करते हो। चलिए आप ठीक चलिए। एक मिनट सर रुक जाइए। हिंदी में ब्रीफ करेंगे ना। हिंदी हेलो हेलो सर बताइए क्या इशू है। एक एक को 7,500 रुपए पेंशन दिया जाएगा। एजुकेशन पढ़ने वाला को एक साल का लड़के को 30,000 रुपए दिया जाएगा दो बार करके। एक कॉमन मैन गुजर जाता है सरकारी से 10,00,000 रुपए मिलता है। हम नवरंग कांग्रेस पार्टी जो वादा करती है वो वादा जरूर निभाएंगी। अभी जो कांग्रेस बीजेपी कोई पार्टी भी सरकार के लिए नहीं, वो जेबों भरने के लिए वह लंदन में और कंट्री में जाके स्विस बैंकों में छुपाने के चक्कर में पड़ा है। हिंदुस्तान में जिधर राजनीति करने वालों के पास कई करोड़ों का पैसा छुपा है। जो पैसा इधर बिहार में आ जाता अच्छे अच्छे फैक्ट्रियां बनते हैं। इसीलिए मैं नवरंग कांग्रेस पार्टी को जनता से यही कहने लगूंगा, नवरंग कांग्रेस पार्टी को वोट दो। अभी हमारे बिहार स्टेट प्रेसिडेंट बिहार में तो 243 को कंटेस्ट करेंगे लेकिन जीत जाएंगे। 75 सीटों में जीतने का प्लानिंग चक्कर करके रखा है। मैं भी ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का तेलंगाना आंध्र प्रदेश का इंचार्ज हूँ। अभी बिहार वालों से भी मैं कम से कम 2 सालों से यही चक्कर करने लगा। अभी आज का आज नहीं आया, मैं 2 साल से ग्राउंड वर्क करने लगा। इसीलिए नवरंग कांग्रेस पार्टी का शामिल यही है, जीतना ही है। जीतने वालों को हम टिकट दे देंगे। जो अभी डेवलपमेंट करने वालों को, जो पैसा वालों को हम नहीं देंगे। जो एजुकेशन में जो गरीब लोग को साथ देता है उनको भी फॉर्म वेफॉर्म दे देंगे नवरंग कांग्रेस पार्टी से। प्रदेश में 11 सीटों में वही जगन मोहन रेड्डी उधर का सीएम था। पिछला साल में हम लोगों का 151 असेंबली सीट आया था, उसमें गठबंधन था। अभी क्या हो गया, पूरा ईवीएम हम 265,000 लोगों को बांटा है महीना। अपन को 11 गठबंधन में 4 एमपी 11 विधानसभा में आए हैं जोड़ करके। अभी हम बिहार में जोड़ेंगे नहीं है, सिंगल नवरंग कांग्रेस पार्टी सिंगल एजेंडा से लड़ेंगे। गरीबों को, यतीमों को, मेहमानों को, SC ST OBC लोगों को साथ लेकर जैसा जैसा बजट होता है ऐसा बजट में ही डेवलपमेंट कर देंगे। ये EVM हट जाएगा उसी वक्त नरेंद्र मोदी का पता चल जाएगा।